एसडीएफ न्यूज स्वागत करता आपका 10 बड़ी खबरों के साथ, मैं हूं आजाद। दुश्मनों का काल रफाल कल यानी बुधवार को अपनी सरजमी को चूमेगा। भारत की सामरिक शक्ति को बुलंदियों के साथ रखता हुआ रफाल वायुसेना की रक्षा पंक्ति के लिए रक्षा कवच साबित हो सकता है। फ्रांस ने अब तक 10 रफाल विमान भारत को सौंप दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं सभी नेताओं ने भारतीय सेना में रफाल के शामिल हो जाने पर खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक्शन में आना बाढ़ पीड़ितों एवं कोरोना संक्रमण रोकथाम दोनों के लिए कारगर साबित हुआ है। इस बीच सीएम ने आदेश दिया है कि दबाव वाले सभी बांधों पर हाई अलर्ट मोड में अभियंता लगे रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के कामकाज में तेजी लाने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रत्यय अमृत को भार सौंप दिया है। हाल ही में विभाग के प्रधान सचिव बने उदय सिंह कुमावत को वहां से स्थानांतरित कर दिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लगता है कि उनका राजनीतिक करियर सच बोलने के चलते दांव पर लगता जा रहा है। तभी तो उन्होंने निराश होकर यह कहा कि चीनी सैनिक हमारे देश की सीमाओं के अंदर घुस आए हैं और लोग चाहते हैं कि वे चुप रहें। खोखली बयानबाजी से बाज नहीं आने वाले विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार में एनडीए सरकार की मजबूत स्थिति अपने बेहतर कामकाज के चलते है। विपक्ष आज खोखली बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। बेहतर खबर यह है कि बाढ़ प्रभावित उत्तर बिहार के जिलों में वायुसेना हेलीकॉप्टर द्वारा राहत सामग्री वितरण में तेजी लाए जाने के साथ अब लोगों ने थोड़ी आफियत महसूस की है, लेकिन संभावित बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ प्रभावित सुदूर क्षेत्रों में भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर 6600 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आज भी गोपालगंज, बेतिया, मधुबनी समेत कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीम के सदस्य जनसेवा में लगे रहे। पटना प्रशासन की सख्ती के बाद अब मास्क के प्रति जागरूक होने के अलावे लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं। इस बीच कई प्रकार के मास्क के बीच डिजाइन वाले मास्क की मांग अधिक है। बिहार में एनडीए गठबंधन चुनावी तैयारी में पूरी तरह लग गई है और वर्चुअल कीबोर्ड के सहारे कार्यकर्ताओं को भी तैयार कर रही है। इस बीच जदयू का शीर्ष नेतृत्व रणनीति बनाने में तेजी से जुट गए हैं। सांसद आरसीपी सिंह जिलावार जदयू अध्यक्षों से फीडबैक लेने में व्यस्त हैं। तो अब तक 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। आप बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए एसडीएफ न्यूज के साथ, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।